नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ ब्रेन। कहने को तो नमक एक बहुत ही साधारण सी चीज होती है, लेकिन अगर ये थोड़ी सी भी कम हो जाए तो खाने का स्वाद बिगड़ जाता है। वहीं अगर नमक थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो भी खाने का स्वाद खराब हो जाता है। नमक खाने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों के लिए काम आता है। नमक बहुत से वास्तु दोष निवारण के लिए भी काम आता है, और उसके अलावा नमक बहुत सारी अलग अलग क्रियाओं में भी काम आता है। वास्तु शास्त्र की माने तो नमक में नकारात्मक शक्ति को सोखने की अद्भुत शक्तियां होती हैं, वहीं नकारात्मक शक्तियों को हटाने के लिए भी नमक बहुत काम आता है। नमक का सही तरीके से प्रयोग करने से न केवल आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा, बल्कि आपके घर में सुख शांति और समृद्धि भी आएगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि नमक के क्या क्या उपाय हैं और इसे किस तरह करना चाहिए। गुरुवार को छोड़कर बाकी सब दिन जब आपके घर में पोछा लगे तो आपको उस वक्त पोछे के पानी में कुछ डेली खड़ा नमक का डाल देना चाहिए। ऐसा करने से न केवल नमक आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा, बल्कि आपके घर में सुख शांति और समृद्धि तो रहेगी ही, लक्ष्मी माँ का वास भी सदैव के लिए आपके घर में रहेगा। अगर आपके बच्चों को या परिवार के किसी भी सदस्य को नजर लग जाए तो केवल दो ढेली खड़ा नमक ले लीजिए और उसे पानी में डालकर अपने बच्चे के सर से या जिस भी सदस्य को नजर लगी हो उसके सर से उस पानी की ग्लास को 7 बार उतारते हुए बोलिए, जैसे जैसे नमक गले वैसे वैसे नजर झड़े। ऐसा 7 बार बोलकर पानी को नमक की ढेली के साथ सिंक में डाल दीजिए। जैसे ही नमक गल जाएगा वैसे ही आपके बच्चे के सर से या परिवार के किसी भी सदस्य के सर से नजर उतर जाएगी। रात को सोते समय अगर आप पानी में एक चुटकी नमक डालकर अपने हाथों और पैरों को उसमें थोड़ी देर डालकर रखेंगे और उसके बाद निकाल कर पोंछ कर गुनगुने पानी से अपने हाथ पैर को पोंछ कर सो जाएंगे तो ट्रस्ट में आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। इससे स्ट्रेस भी दूर होता है और इससे राहु और केतु का प्रभाव भी आप पर कम हो जाता है। वास्तु दोष निवारण के लिए आप एक कांच के बाउल में थोड़ा सा खड़ा सेंधा नमक ले लीजिए और उसे अपने बाथरूम में किसी भी जगह पर रख दीजिए जहां पर उस पर ज्यादा पानी ना पड़े। ऐसा करने से आपके घर में राहु दोष निवारण होगा। इस नमक को आपको हर 15 दिन पे बदलते रहना पड़ेगा। दरअसल नमक और कांच दोनों ही राहु की वस्तु होती है जो राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करती है। ऐसा कहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा भी राहु से आती है और कीटाणु जो इन्फेक्शन देते हैं उसका कारक भी राहु ही होता है, जिसके कारण परिवार के सेहत और समृद्धि धन संपदा पर बुरा असर पड़ता है। इस कारण बाथरूम में नमक रखना बहुत ही अच्छा फल देता है। नमक आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और घर में सकारात्मकता बढ़ाता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और नकारात्मक ऊर्जा को घटाने के लिए आप चाहें तो आप रॉक सॉल्ट लैम्प भी अपने बेडरूम में रख सकते हैं। रॉक सॉल्ट लैम्प आप अपने बाथरूम में बेडरूम में दक्षिण या दक्षिण पूर्व की दिशा में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपको मानसिक शांति का अनुभव तो होगा ही, साथ ही आपके घर में सकारात्मकता काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस लैंप को जलाने से आपको अद्भुत ताजगी का एहसास होगा। घर में रॉक सॉल्ट रखने से बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, जिससे कि आपको फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल तीनों तरफ से काफी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी और शांति दिखाई देगी। नजर लगने पर अगर आपके घर पर खड़ा नमक नहीं है तो आप एक चुटकी नमक और राई लेकर भी परिवार के सदस्यों के ऊपर से उतार कर और उसे सड़क पर फेंक दें। इतना करना भी नजर उतारने के लिए काफी होता है। बच्चों को भी एक दिन हफ्ते में पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर नहला देना चाहिए। इससे भी उनके ऊपर अगर कोई बुरी नजर लगी होती है तो वो तुरंत हट जाती है। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच अच्छे रिलेशंस नहीं हैं या फिर छोटी छोटी बात पर जब देखो झगड़ा हो जाता है तो भी नमक आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर है। आपको एक छोटा सा नमक का टुकड़ा, सेंधा नमक का टुकड़ा लेना है और उसे अपने
बेडरूम में कहीं पर भी रख देना है। ऐसा करने से नमक सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेगा और आपके रूम में पॉजिटिविटी फैल जाएगी, जिससे आप लोगों का मानसिक तनाव कम हो जाएगा, टेंशन कम हो जाएगी और धीरे धीरे झगड़े बंद होंगे और मधुरता फैलेगी। तो देखा आपने नमक कितना साधारण होता है लेकिन कितने ज्यादा काम का उपयोगी होता है। ये नमक के बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जो कि आप घर पे करके अपने घर में सुख शांति और समृद्धि को बढ़ा सकते हैं और अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को कम करके अपने घर में सकारात्मकता बढ़ा सकते हैं। तो इन उपायों को जरूर ट्राई करिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा।